अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, तो आज हम आपकी फरमाइश पर बना रहे हैं इफ्तारी स्पेशल चिकन पकोड़ा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मेरे पास है 1 किलो चिकन, बेसन, हरी मिर्चें, हरा धनिया और सारे पाउडर मसाले हैं। मैंने एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले 6 टेबलस्पून बेसन लिया है, फिर इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च, अजवाइन 1 टीस्पून। अजवाइन जो होती है पकौड़ों को बहुत लजीज बनाती है। आखिर में मैंने खुशबू मसाला ऐड किया है। खुशबू मसाले की रेसिपी बहुत जल्द आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, 2 टीस्पून पुदीना कटा हुआ, डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, बैटर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम चिकन डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चिकन को 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। पूरी रेसिपी देखने के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। यहाँ पे हम ऑयल ज़्यादा लेंगे क्योंकि चिकन पकोड़ा करने हैं हमने डीप फ्राई। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इसमें एक एक करके पकोड़ा डालेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना कि पकोड़े जल जाएं। व्यूअर्स, इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन पकोड़े को हल्की आंच पर पकाएं ताकि वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद साइड बदलेंगे और दूसरी साइड से भी सुनहरी माइल होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं चिकन पकोड़ा फ्राई करते हुए और देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसी तरह सारे चिकन पकोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार खुशबूदार इफ्तारी स्पेशल चिकन पकोड़ा तैयार हैं। ये देखें इनकी फाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी हमारी रेसिपी।